तो वह है हरि नाम से। जितने भी महात्मा बड़े बड़े हुए हैं उनसे आप अगर कुछ और प्रश्न पूछोगे तो हो सकता है अलग अलग उत्तर दें, लेकिन अगर एक प्रश्न पूछोगे कि कलयुग में उद्धार प्राप्ति का रास्ता क्या है, आनंद प्राप्ति का रास्ता क्या है, भगवान से साक्षात्कार करने का रास्ता क्या है, तो इस विषय में सब संतों का एक ही उद्घोष होगा। कोई दक्षिण भारत के बहुत बड़े संत हुए हैं कुलशेखर जी, उनके पास कोई चले गए कि महाराज बताइए कलयुग में उद्धार प्राप्ति का रास्ता क्या है, आप बैठे। कुलशेखर जी बोलते हैं अगर आप इस दुखमय संसार से त्रिताप दग्ध जो जीव है अगर अमृत का आस्वादन करना चाहता है तो निरामयम कृष्ण रसायन की बात, निरंतर श्री कृष्ण नाम संकीर्तन का पान करो। बल्लभाचार्य जी कहते हैं ना अन्य गति कृष्ण पदारविंदात, श्री कृष्ण के चरणों को छोड़ के उनके नाम कीर्तन को छोड़ के और कोई गति कलयुग में नहीं है। कोई शंकराचार्य जी के पास चले गए कि महाराज जी उपाय बताइए, वो क्या बोलते हैं भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। कोई नानक जी के पास चले गए पंजाब में कि महाराज बताइए उद्धार प्राप्ति का रास्ता क्या है, वो क्या बोलते हैं नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। नानक जी कहते हैं कि अगर इस पार से उस पार जाना है तो नाम रूपी जहाज भगवान का जो नाम है उस जहाज पे बैठ जाओ, उसका आश्रय ले लो। गुरवाणी में आता है गुण गोविंद गायो नहीं जन्म या कारथ कीन, कह नानक हरि भज मना जो विधि जड़ को मीन। इसका अर्थ बीच में बताएंगे। वो कहते हैं कि अगर आपने अपनी जिंदगी में सब कुछ प्राप्त कर लिया, अच्छी विद्या भी की, अच्छा बिजनेस भी किया, अच्छा पैसा भी कमाया, संपदा भी बहुत इकट्ठी कर ली, सब इच्छाएं पूरी कर ली जो दुनियावी हैं, लेकिन अगर आपने गोविंद भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सहारा नहीं लिया, उनका कीर्तन नहीं किया, तो आपका सब कुछ बेकार है। कोई तुलसीदास जी के पास चले गए, वो उद्घोष क्या करते हैं कलयुग केवल नाम धारा सिमर सिमर नर उतर ही पारा राम सिया राम सिया राम जय जय राम। केवल नाम आधारा जितने भी संत हुए हैं इन्होंने किनका उचिष्ट सेवन किया है, जगत गुरु वेद व्यासी का और उनकी उद्घोषणा क्या है, वो लिखते हैं हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्तैव 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 गतिरन्यथा। कहते कलयुग में हरि का नाम ही, ऐब का मतलब होता है ही निश्चित रूप से, उसके बाद फिर केवलम लगा दिया, केवल हरि का नाम ही, क्योंकि उनको मालूम है कलयुग का जीव जो है वो बुद्धि प्रधान है, नहीं कुछ तो होगा और रास्ता कुछ तो होगा। तुलसीदास जी ने तो सीधा सीधा कह दिया जिसको ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, 21वीं शताब्दी है, चाहे वो 27वीं शताब्दी में चला जाए, उसको लगे कि नहीं यार नाम कीर्तन तो पुराना साधन हो गया,
ऋषि मुनियों को नई एडवांस टेक्नोलॉजी आनंद प्राप्त करने की, सीधा यहाँ से वैकुंठ धाम गमन करने की टेक्निक उन्होंने सोच रखी हो, तो कहता है अगर ऐसा कोई बोले तो उसके लिए तुलसीदास जी ने दो लाइनें लिखी। रामचंद्र के भजन बिना जो चाहे पद निर्वाण। कहते भगवान के कीर्तन के बिना अगर कोई चाहे कि वो निर्वाण प्राप्त कर लेगा, उसके लिए क्या बोलते हैं, ज्ञानवान या पीसो नरा। कहते हो सकता है बहुत बड़ा विद्वान हो संसार में, लेकिन अध्यात्म जगत में उसको क्या बोला जाएगा, पशु बिन पूछ विशान। वो बिना सींग और पूछ का पशु है। कहते इसलिए जगत गुरु वेद व्यास जी कहते हैं निश्चित रूप से केवल हरि का नाम। कहते फिर भी किसी के दिमाग में आए कि नहीं यार कोई ध्यान चल सकता है, मेडिटेशन सकती है, यज्ञ चल सकता है, पूजा चल सकती है, तो उन्होंने कहा तीन बार नास्तैव लिखा है। किसने लिखा है, जब हमारे जगत गुरु श्रीला गुरु महाराज जी इसकी व्याख्या करते थे, कहते किसी के मन में आए ध्यान चल सकता है, नास्तैव हरेर नाम। फिर दूसरी बार लिखा यज्ञ चल सकता है, बोलो नास्तैव हरेर नाम। पूजा चल सकती है, बोलो नास्तैव हरेर नाम एव केवलम। इसलिए हरि का जो नाम है केवल वही हमारे उद्धार प्राप्ति का रास्ता है। तो हरि नाम संकीर्तन जब हम सुनते हैं या ऐसा हमें अवसर मिलता है कि भक्तों के साथ बैठ के कीर्तन करने का मौका मिले, तो उस दिन समझना चाहिए हरि की विशेष अनुकंपा है और उसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। हम थोड़ा कीर्तन करते हैं तो सबसे प्रार्थना है कि पीछे बोलें और समय का पूरा आनंद उठाएं। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल मुकुंद हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल।
सबसे प्रार्थना है अपने हाथ थोड़ा ऊपर उठा लें, अब जोर से ताली मार के हरि बोल हरि बोल करने वाले हैं भगवान श्री नृसिंहदेव। उन्होंने अपने अवतार का मेन उद्देश्य ये रखा, जो भक्तों को तंग करेगा उनका वो डैश डैश। इससे पहले कि हम बोले, मैं प्रार्थना करूंगा हमारे श्रीपाद रंगी स्वामी भक्ति सूर्य परमदेव महाराज से कि वो अपने अमृत वचन आपको श्रवण कराकर आपको धन्य करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की है। ये रख लो, ये ले लो, ये बढ़िया है, ये ऐसी रख दो। भक्तिवल्लभतीर्थ गोस्वामी नामिने कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् कलुषायुत शक्त सुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनम् प्रणमामि च माधव देवपदम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवि प्रणमामि हरिप्रिय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। इतो निशिंह परतो निशिंह यतो यतो यामि ततो निशिंह बहिर्निशिंह हृदये निशिंह निशिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्याच वक्ष्यासि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज हम सबका परम सौभाग्य दिवस है क्योंकि जहाँ पर भगवान की कथा एवं भगवान का कीर्तन गान एवं श्रवण का अवसर मिलता है वो उसको तुरंत वरण कर लेना चाहिए। और आज ऐसा बहुत अद्भुत अवसर मिला है जो भगवान का हरि का नाम कीर्तन श्रवण एवं साथ साथ स्मरण करने का अद्भुत अवसर मिला है। इसलिए ये मुहूर्त ये क्षण या जितना समय हम साधु संतों के बीच में रह करके हमारा समय को हम विनियोग कर रहे हैं उतना ही हमारे लिए लाभदायक होगा। और ऐसे अवसर जिन्होंने प्रदान किया उन लोगों का भी भगवान अद्भुत जो है कृपा करके उनको भी अपना भक्तों का वैष्णवों का चरण सेवा का मौका बार बार प्रदान करेंगे। आज यहाँ पर जो इतना आयोजन किया भक्तों को यहाँ पर निमंत्रण करके साधु महात्माओं को बुला करके उनके मुखारविंद के द्वारा हरि कीर्तन एवं हरि कथा श्रवण करने के लिए सबको जो अवसर प्रदान किया हमारे राम प्रकाश प्रभु जी और हमारे विष्णु प्रभु जी और अन्य अन्य सब कमेटी के लोग सभी लोगों का अहो भाग्य है। और निश्चित रूप से गुरु वैष्णव भगवान उनसे उनके ऊपर प्रसन्न होंगे। तो आज हम लोग यहाँ पर भक्तों से श्रवण करने के लिए आए हैं कि भक्त वास्तविकता में किस वस्तु का उपासना कर रहे हैं उस उपासना का वास्तविकता में फायदा क्या है। जो व्यक्ति जिसको आनंद मिला है वो व्यक्ति सुनिश्चित रूप से उस आनंद को सबको बांटना चाहेगा। तो भक्त लोगों का को जिस प्रकार कहाँ से आनंद मिल रहा है उस आनंद का स्रोत क्या है वो आज हम थोड़ा सा उसके बारे में थोड़े समय में हम उसकी चर्चा करेंगे। हमारे परमाराध्य श्रील गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट होम विष्णुपाद परमहंस स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के मुखारविंद से बहुत बार इस प्रसंग श्रवण करने का सुअवसर मिला कि वेदव्यास मुनि जिन्होंने वेदों का विभजन किया बहुत शास्त्रों की रचना की
जो धर्मशास्त्र है, कर्मशास्त्र है, ज्ञान शास्त्र है एवं यहाँ तक कि मुक्ति शास्त्र है, वो सब उन्होंने प्रदान किया। वेदों को, वेदांगों को उन्होंने विभाजन किया, क्योंकि साधारण लोग इसको नहीं समझ पाएंगे, उसको उन्होंने पुराण उपनिषदों के रूप में उन्होंने और विस्तार किया। और जो हमारे जैसे जो अज्ञानी लोगों के लिए उन्होंने महाभारत की रचना भी की। वेदव्यास मुनि जितना जीवों का मंगल के लिए जो कोई व्यक्ति कर सकता है वो सब उन्होंने किया। कोई व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता है, कोई वस्तु की अभाव है, उस अभाव को पूर्ण करने से स्वाभाविक ही जिस व्यक्ति उसको रिसीव किया है, प्राप्त किया है, उसको आनंद होगा, क्योंकि उस व्यक्ति को आनंद हुआ, जिसने वो वस्तु प्रदान किया उसको भी आनंद रिटर्न में मिलेगा। जो वेदव्यास मुनि ने धर्म का कार्य करके जो स्वर्गादि सुख प्राप्त करना चाहते हैं, उन्होंने उनके लिए धर्मशास्त्र की रचना की कि तुम वास्तविकता में तुम अपना जो कामना वासना अथवा तुम स्वर्गादि लोगों का सुख प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए धर्मशास्त्र लिख दिया। और कामना वासना प्रत्येक व्यक्ति को है, उस कामना वासना को पूर्ण करने के लिए उन्होंने कामशास्त्र की रचना किया। और बहुत सारे व्यक्ति पैसा भी कमाना चाहते हैं, अर्थ कमाना चाहते हैं। अर्थ मतलब जरूरी नहीं है सिर्फ पैसा ही है, सुख भी एक अर्थ है। अर्थ मतलब जो वस्तु को हम प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्य, जो अपना लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए वेदव्यास मुनि ने अर्थशास्त्र की भी रचना किया है। और जो धर्म कर्म इत्यादि करके जिन व्यक्ति को समझ में आ गया, क्षीणे पुण्यम मर्त्यलोकम विशन्ति, जो हमारा इतना कुछ कार्य करने के बाद स्वर्गलोक तक चला गया तो भी आ ब्रह्म भुवनालोक पुनरावर्तिनो अर्जुन, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर के पाताल लोक तक कोई भी जीव हो वो उसको पुनरावर्तन, उसको यहाँ पर वापस आना ही पड़ेगा। मतलब ब्रह्म पदवी भी जिस व्यक्ति को प्राप्त हो गया है उस व्यक्ति का भी वो पोस्ट परमानेंट नहीं है, जिस किसी भी समय उस पोस्ट से उसका च्युति हो सकता है। इसीलिए उन्होंने सोचा इस लोगों के बीच में ऐसा कोई विज्ञ व्यक्ति भी होगा, ज्ञानी व्यक्ति भी होगा, धर्म अर्थ काम की वांछा नहीं रखेगा, मोक्ष की वांछा रखेगा। ये धर्मार्थ काम जो है आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। देखिए लक्ष्मी देवी है चंचला, क्यों चंचला बोलते हैं? आज यहां पर है तो कल कहीं और है। जिस लक्ष्मी समस्त पृथ्वी को नचा रही है, आज मैं धनी हूं लेकिन यही धन 2000 के नोट मान लीजिए मेरे पॉकेट में जितना है, आज यही नोट किसी और के पास चला जाएगा, मेरा ही नोट है लेकिन किसी और के पास चला जाएगा, वो बन गया धनी। लक्ष्मी का एक नाम है चंचला, चंचला मतलब एक जगह नहीं रहती है, लेकिन एक जगह निश्चला है, वो कहां पर है? भगवान माधव की सेवा में। सब जगह चंचला है लेकिन माधव की सेवा में, भक्तों की सेवा में निश्चला है, भगवान की सेवा में। इसीलिए हमारे पूर्वाचार्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोल दिया, तोमार कनक भोगेर जनक, कनक द्वारा सेवये माधव। पूर्वाचार्य भक्तिनाथ ठाकुर जी ने बोल दिया, तोमार कनक भोगेर जनक, जिसके पास पैसा है भोग की अभिलाषा स्वाभाविक ही आएगा ही। मेरे पास 10 रुपए है, वो सामने कोई रेडी में जाकर के पकोड़ा वगैरह खाने का मन करेगा। मेरे पास 100 रुपए है, थोड़ा सा बड़ा शॉप में जाकर के कुछ पिज्जा विज़ा खाने का मन करेगा। मेरे पास 1000 रुपए है,
अरे 1000 रुपए ना थोड़ा सा बड़ा रेस्टोरेंट में जाकर के खाएंगे। मतलब तुम्हारा कनक, तुम्हारे पास पैसा है, भोगेर जनक, वहां पर जनक मतलब पिता, भोगों का पिता है वो, क्या कनक। लेकिन वो कनक कितना समय रहेगा कोई गारंटी नहीं। इसीलिए प्रभुपाद बक्शीदास सरस्वती ठाकुर बोलते हैं, कनक द्वारा सेवा ए माधव, तुम्हारा पैसों के द्वारा केवल मात्र तुम माधव की सेवा करो, बाकी जगह केवल मात्र भोग वासना के द्वारा, भोग कार्यों के द्वारा बार बार इस जन्म मृत्यु का चक्कर में हमको घूमते रहना ही पड़ेगा। तो जिस व्यक्ति को इसका ज्ञान हो गया है वो सोचेगा नहीं, मेरे को धर्म की कोई आवश्यकता नहीं है, ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, अर्थ की आवश्यकता नहीं है, कामना वासना पूर्ति की आवश्यकता नहीं है, मैं मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूं। तो उनके लिए भी वेदव्यास मुनि जगत गुरु, जिनसे सभी, जो महाराज जी ने अभी बताया, जितने भी साधु संत जो जो उन्होंने हमको प्रसाद दिया, वो प्रसाद केवल मात्र वेदव्यास मुनि से प्राप्त हुआ प्रसाद ही हमको आगे बांटा उन लोगों ने। तो वो वेदव्यास मुनि, उन्होंने मोक्ष शास्त्र भी रचना किया। इतना कुछ करने के बाद भी उनके हृदय के अंदर शांति का अभाव हुआ, उनके हृदय में अभी भी शांति नहीं है, आनंद नहीं है। उन्होंने सोचा, मैंने जगत कल्याण के लिए, लोगों का मंगल के लिए मैंने बहुत कुछ किया, फिर भी क्या त्रुटि रह गया, क्या कमी हो गई है कि मेरे हृदय में शांति नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने, जब किसी इस प्रकार की समस्या में हम गिर जाते हैं, उस समस्या से हमको बचाने वाले केवल मात्र एक ही व्यक्ति है, वो है श्री गुरु। श्री गुरु के अलावा और कोई हमको इस प्रकार की विपद अवस्था से बचाने वाला कोई नहीं है। उन्होंने सरस्वती के तट पर बद्रिकाश्रम में बैठकर अपना श्री गुरु के चरण कमलों पर उन्होंने ध्यान लगाया। गुरु है शिष्य वत्सल, गुरु सब समय शिष्य के लिए प्रस्तुत है। हो सकता है साक्षात भाव से, प्रत्यक्ष भाव से, प्रकट रूप से, आंखों के लिए प्रकट नहीं है, लेकिन अंतरात्मा के रूप में, हृदय में सब समय गुरु भी विराजमान है। जब शिष्य उनको हृदय से पुकारते हैं, गुरु का साथ साथ वहां पर प्रकट हो जाता है। तो यहां पर नारद गोस्वामी, उनके गुरु, उनके चरणों पर वेदव्यास मुनि बैठ करके, मतलब उनके चरणों का ध्यान कर रहे हैं बद्रिकाश्रम में बैठकर। तो तुरंत वहां पर नारद ऋषि का आगमन हो गया। नारद ऋषि आ गए। नारद ऋषि आते हैं, क्या बात है वत्स, तुम्हारा शरीर एवं मन संबंधित आत्मा कुशल में है? प्रश्न थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तुम्हारा शरीर एवं मन से संबंधित आत्मा कुशल में है? प्रश्न में ही उत्तर है, इसलिए मैंने बोला प्रश्न ध्यान से सुनिए। क्योंकि मैं जिस प्रकार परमाराध्यक्ष गुरु महाराज जी से श्रवण किया, उन्हीं वचनों को, उन्हीं वाणी को मैं स्मरण करने के लिए प्रयास कर रहा हूं अपना ही मंगल के लिए। तुम्हारा शरीर एवं मन संबंधित आत्मा कुशल में है तो ऐसा क्यों प्रश्न किया? क्योंकि आत्मा का अकुशलता असंभव है। आत्मा कभी भी अशांत नहीं हो सकता है, आत्मा कभी भी दुखी नहीं हो सकता है, आत्मा कभी भी निरानंद में नहीं रह सकता है, क्योंकि आत्मा है सत चित आनंद। जो आत्मा सच्चिदानंद वस्तु है वो निरानंद में कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए तुम्हारी आत्मा कुशल में है ये प्रश्न नहीं है। तुम्हारा शरीर एवं मन से संबंधित जो तुम्हारी आत्मा है वो कुशल है। कहने का मतलब ये है, जब तुम अपने आप को शरीर समझते हो,
जब तुम अपने आप को मन समझते हो, आत्मविक्षेप हो जाता है व्यक्ति का, वो व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। मैं शरीर हूं, शरीर संबंधित लोग मेरे हैं, या मन हूं, मन के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। जब तक हमारा अभिमान शरीर और मन में रहेगा, तब तक यद्यपि सच्चिदानंदमय आत्मा के कारण ही हम इस शरीर में हैं, क्योंकि मैं अपने आप को शरीर अथवा मन माना वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। इसीलिए प्रश्न किया, तुम्हारा शरीर एवं मन संबंधित आत्मा कुशल है ना? वेदव्यास मुनि उत्तर देते हैं, प्रभु आप तो सर्वांतरयामी हैं, आप तो जानते हैं, क्योंकि गुरु है सर्वांतरयामी, गुरु से कुछ छुपा हुआ नहीं रहता है। मेरा हृदय में बहुत अभाव है। क्यों व्यास, तुमने ऐसा कोई गलती किया? क्योंकि किसी को हम दुख देते हैं ना, तो दुख परिणाम में मिलेगा। इंग्लिश में कहावत है, एज यू सो सो शैल यू रीप, जिस बीज को हम बोएंगे वही फल आएगा। अच्छा कर्म का बीज बोया तो अच्छा फल का पेड़ आएगा, बुरा कर्म का बीज बोया तो बुरा फल का पेड़ आएगा। वो पेड़ का फल हमने ही खाना है, वो बांट नहीं सकते हैं। हमको एक पेड़ का उदाहरण दिया, तो पेड़ आया तो फल हमको अच्छा नहीं लगा, किसी को बांट दो, ऐसा नहीं होता। हमारा कर्म का फल हमको ही खाना पड़ेगा, कोई दूसरा खाएगा नहीं। तो यहां पर तुमने अच्छा काम किया, तुमने कोई बुरा काम किया, तुमको अशांति है, तुमको दुख है? नहीं, मैं तो अच्छा काम किया। क्या अच्छा काम किया जिसका नतीजा बुरा मिला है? ना, मैंने वेदों को विभाजन किया, धर्मशास्त्र, कामशास्त्र, अर्थशास्त्र, जो सभी की आवश्यकता है। कोई किसी व्यक्ति व्यक्ति को कोई वस्तु की अभाव है, तो उस अभाव पूर्ण करने से क्या होगा? स्वाभाविक ही वो सुखी है, तो मैं भी सुखी हूंगा। तो मैंने साधारण लोगों की जो आवश्यकताएं हैं वो सब मैंने उनके लिए दे दिया, व्यवस्था कर दिया। परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी की यहां पर वाणी है, वेदव्यास मुनि को नारद गोस्वामी यहां पर क्रोध के साथ गुस्सा करते हुए उनको वचन बोलते हैं, तुमने बहुत गंदा काम किया है, तुमने बहुत गंदा काम किया है। अरे गंदा काम कैसा है? जिसको जो आवश्यकता पूर्ण किया। गंदा काम इसीलिए है कि जीवों को स्वाभाविक ही धर्म में, कर्म में, पैसों में, कामना वासना पूर्ण में रुचि है। तुम गुरु होकर के उसको और जैसे आग में घी डाल रहे हो, तुमने उसके ऊपर एक स्टैंप लगा दिया, हां तुम करो ऐसा करो, तुमको कामना वासना है, उन कामना वासनाओं को ऐसा पूर्ण करो। तुम गुरु होकर के, जगत का गुरु होकर के, उनको ऐसा कार्यों से नहीं बचा करके, उल्टा वो कार्य कैसे अच्छे से करना है तुमने बताया, उससे क्या होगा? उन लोगों का इस जगत में और बंधन ही बढ़ेगा, फल उनको दुख मिला, दुख मिल रहा है और मिलता रहेगा। तुमने उनको इस प्रकार हमेशा हमेशा के लिए जन्म इस संसार में बंधी होने के लिए तुमने व्यवस्था कर दिया, इसीलिए तुमको दुख मिला। तब उन्होंने बोला, प्रभु मैंने मोक्ष शास्त्र की भी रचना की, मैंने मोक्ष शास्त्र की भी रचना की है। तो वेदव्यास मुनि को नारद गोस्वामी बोलते, तुमने और भी गंदा काम किया है, पहले तो गंदा काम किया ही था, ये और भी गंदा काम किया है। अरे आपने तो अभी बोला सब लोग कर्म इत्यादि करके संसार में बंधी हो जाते हैं, मैंने उनको मुक्त होने की व्यवस्था कर दिया। हां मैं बोल रहा और भी गंदा काम किया। कैसे? तुमने आत्मा का स्वभाव को ही खत्म कर दिया। आत्मा का स्वभाव क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। जीव का स्वरूप क्या है? कृष्णेर नित्यदास, भगवान का नित्य दासत्व, भगवान की नित्य सेवा ही वास्तव जो है जीव का परिचय है। ऐसा जीवों का वास्तव परिचय से तुम उनको वंचित करके भगवान में विलीन हो जाओ, भगवान में एक हो जाओ, तुम ही ब्रह्म हो। स्वभाव, जीव का जो स्वभाव, जो आत्मा का जो स्वभाव, जो भगवान की सेवा,
उससे ही तुमने उनको वंचित कर दिया, इसीलिए तुमने और भी गंदा काम किया चिरकाल के लिए। अभी कामना वासनाओं में कोई है, वहां पर कोई साधु संतों का संग होगा, सत्संग में उनका थोड़ा विवेक होगा, कम से कम बाद में उद्धार तो हो जाएगा। तुमने ऐसा मुक्ति की जो व्यवस्था करके उसको भी बंद कर दिया तुमने। विषय समझ में आ रहा है? कितना गंभीर है गुरु कहने का तात्पर्य है, जो हम करते हैं वो ठीक है ऐसा नहीं होता है। गुरु हैं हमारे वास्तव शुभ चिंतक। उन्होंने बोला तुमने और भी गंदा काम किया है, तुमने भगवान की लीला वर्णना नहीं किया। वेदव्यास मुनि पूछते हैं तो क्या करना चाहिए? तुमने भगवान के बारे में कुछ बोला नहीं, तुमने भगवान के बारे में कुछ बोला नहीं। नहीं, मैंने किया था। क्या किया? मैंने महाभारत रचना की है। महाभारत में तो कृष्ण ही है, और महाभारत के अंतर्गत जो श्रीमद् भगवद गीता है उसकी भी मैंने रचना की है। तो कहां मैंने कृष्ण के बारे में नहीं बोला, कृष्ण की वाणी को नहीं बोला, मैंने तो वो भी बोला है। तो यहां पर हमारे नारद गोस्वामी बोलते हैं कृष्ण कीर्तन हुआ नहीं। गुरु महाराज जी बोलते थे ऐसा, नारद गोस्वामी ने बोला कृष्ण कीर्तन हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? मैं बोल रहा हूं कृष्ण कीर्तन हुआ नहीं। फले न फल कारणम अनुमीयते, फल के द्वारा फल का कारण का अनुमान किया जा सकता है। जब तुम कृष्ण का कीर्तन किया, कृष्ण है रसो वही सह, सभी रसों का एकमात्र निवास आनंद है, वो आनंद स्वरूप का जिसने स्पर्श किया है वो निरानंद में नहीं रह सकता है। अगर तुमने श्री कृष्ण कीर्तन किया है तुम निरानंद में नहीं हो सकते हो, तुम्हारा हृदय के अंदर कोई अभाव नहीं रह सकता है। तुमने कृष्ण कीर्तन करने के बाद भी तुम्हारे हृदय में अभाव है, मतलब तुमने कृष्ण कीर्तन किया नहीं। ये क्या बोल रहे हैं? महाभारत की रचना कर दिया, कृष्ण के इतने सारे लीलाएं लिख दी, कृष्ण कीर्तन किया नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य कृष्ण की प्रसन्नता नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य महाभारत रचना की धर्म अर्थ काम मोक्ष तुम्हारा उद्देश्य था। जिस उद्देश्य से तुमने कृष्ण कीर्तन किया वो उद्देश्य ही स्थायी नहीं है, मतलब तुम कृष्ण के संपर्क में आया ही नहीं। अगर कृष्ण के संपर्क में आया तो वहां पर आनंद का अभाव हो ही नहीं सकता। तो आप बोलिए क्या करना है मुझे? श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णना करो। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कृष्ण की लीलाओं की रचना करो। जब भगवान प्रसन्न होंगे, यस्मिन तुष्टे सर्वमिदं तुष्टं भवति, जिनकी तुष्टि होने से, मतलब जो संतुष्ट होने से पूरा जगत अपने आप ही संतुष्ट हो जाएंगे, वो है श्री कृष्ण। उन श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तुम कार्य करोगे, निश्चित रूप से सभी प्रसन्न हो जाएंगे, तुम्हारी आत्मा भी प्रसन्न हो जाएगा। इसीलिए हे वत्स, तुम श्री कृष्ण की लीलाओं की रचना करो श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। ये कहते हुए नारद गोस्वामी ने उनको चार श्लोक चतुर्श्लोक की भागवत दिया है, बोला तुम इसके ऊपर ध्यान करो। उन्होंने गुरु का आदेश को ग्रहण करके ध्यान किया। आज हमारे सामने 18,000 श्लोक वाला श्रीमद् भागवत है। उस श्रीमद् भागवत की रचना करने के बाद वेदव्यास मुनि पराशांति प्राप्त किए, पराशांति महत आनंद का अनुभव किया, और उन्होंने श्रीमद् भागवत का पहले में ही बता दिया, धर्मो प्रोजितो कैतवत्रो परमो निर्मत्सरानाम सताम। मैं कैसी ग्रंथ की रचना कर रहा हूं जहां पर धर्मो प्रोजितो, कैसे धर्म? कैतव, जो कैतव धर्म,
जो साधारण जगत के लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष को ही जो धर्म मानते हैं, ये सब है कैतव धर्म, वेदव्यास मुनि की वाणी है, मैं नहीं बोल रहा हूं, वेदव्यास मुनि की वाणी है, कैतव धर्म कपट धर्म है ये। कपट धर्म क्यों? मुख से कृष्ण बोल रहे हैं, अंदर से धन बोल रहे हैं, मुख से कृष्ण बोल रहे हैं, अंदर से पैसा बोल रहे हैं, यह है कपट धर्म। मुख से कृष्ण, अंदर से सुख। अरे मुख से कृष्ण, हृदय से भी कृष्ण की प्रसन्नता, वो है कृष्ण कीर्तन। इसलिए उन्होंने बोला धर्मो प्रोजित कई तवत्र निर्मत्सरानाम सताम। ये शास्त्र किस लिए है? जो निर्मत्सर व्यक्ति है, जिनके अंदर कोई मत्सरता नहीं, मत्सरता मतलब जलन, जलसी। इस जगत में मात्सर्य भाव बहुत अधिक है, किसी के पास धन ज्यादा हो गया, किसी का सुख ज्यादा है, धन ज्यादा नहीं, किसी के पास सुख ज्यादा है, तो भी हमारी परेशानी है, हमारा है या नहीं तो छोड़ दो, दूसरों दूसरा व्यक्ति ज्यादा सुखी है, हम ज्यादा दुखी हो जाते हैं, हमारा सुख हमारे पास है लेकिन दूसरा व्यक्ति दुखी हो तो हमारा ज्यादा सुख होता है, ये मत्सरता है, मात्सर्य भाव। लेकिन श्रीमद् भागवत किस लिए? निर्मत्सरानाम, निर्मत्सर व्यक्ति के लिए। ऐसे वेदव्यास मुनि, समय तो बहुत कम है, वेदव्यास मुनि श्रीमद् भागवत का 18,000 श्लोक रचना करने के बाद अंत में, एकदम लास्ट में क्या बोलते हैं? नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनो अनंत, नमामि हरिम ईश्वरम। श्रीमद् भागवत का इतना श्लोक लिखने के बाद, मतलब सभी शास्त्रों का अगर निचोड़ श्रीमद् भागवत है, उस श्रीमद् भागवत का निचोड़ उन्होंने अंतिम श्लोक में बता दिया। क्या है? नाम संकीर्तन यस्य, जिनका नाम संकीर्तन सर्व पाप प्रणाशनम, सभी पापों को जड़ से खत्म कर देगा। प्रणामो, जिन भगवान को प्रणाम करने से, दुख शमनम, जो जिस कार्य हम करना चाहते हैं, दुख दूर करना, आनंद प्राप्ति करना, दोनों इसमें बता दिया। भगवान का नाम करो, तुम्हारा दुख भी दूर होंगे, तुमको परानंद भी मिलेगा। वेदव्यास मुनि स्वयं अपना जीवन में आचरण करके बताया, हमारा गुरुजी बोलते थे ये बात, मैं एक बात बोल करके एक जो विषय को समाप्त कर दूंगा। गुरुजी बोलते थे वेदव्यास मुनि को साधारण व्यक्ति नहीं समझना, वेदव्यास मुनि शक्त्यावेश अवतार भगवान का। गुरुजी का शब्द है, दिस वॉज द प्रॉब्लम ऑफ वेदव्यास मुनि इटसेल्फ। ये वेदव्यास मुनि का प्रॉब्लम था कि हम ऐसा क्या दान कर देंगे, क्या दूसरों का सुख का हम काम कर देंगे जो हम सुखी हो जाएंगे, जो वेदव्यास से ज्यादा, वेदव्यास ने जितना किया उससे और क्या ज्यादा अधिक हम कर लेंगे, इतना वेदव्यास ने किया फिर भी उनको शांति नहीं मिला। अगर शांति वास्तविकता में चाहते हो, श्री कृष्ण का संकीर्तन करो, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, तभी पराशांति है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पूज्यपाद मुनि महाराज जी के चरणों में प्रार्थना है कि वो हम सब लोगों को जो है हरि कथा अमृत पान करा करके। दस पंद्रह मिनट कीर्तन करेंगे बाद, वो 35 मिनट है ना। सबसे पहले एक बात बोलना चाहूंगा, मैंने देखा जैसे वो क्लासरूम में ना कुछ स्टूडेंट आके सबसे पीछे बैठ जाते हैं, तो हमें देखे ना, तो ऐसे ये पोल्स के पीछे कई बैठे हैं आके। भाई क्लास में तो डरने का कारण बनता है कि टीचर कोई ना कुछ पूछना ले, हाँ भी बता याद किया कि नहीं, यहाँ किसी ने नहीं पूछना, यहाँ सिर्फ सुनाना ही है, इसलिए सामने आके बैठेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। आ जाओ आ जाओ, यहाँ तो एक साथ मिलके संकीर्तन करना है, भगवान का नाम लेना है, इसमें कोई जो सुपने वाली बात नहीं। अभी देखो ना कैसे भरा हुआ लग रहा है, हमें भी देखने में अच्छा लगता है। महाराज श्री इतने अच्छे वचन बोल रहे थे और आप श्रवण करते ध्यान लगा के,
क्योंकि ना जब तक आईज कॉन्टैक्ट नहीं रहता है कुछ ना कुछ मिस हो जाता है, आई कॉन्टैक्ट रहे तो सब बातें समझ में आती। मैं वैसे उनके लिए बोल रहा था, मैं वो उधर बैठे थे आके, आप इधर आओ हमारे सामने, दोनों आ जाओ। ओम अज्ञान तिमिरान धस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा त्वमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारणं। कृपया क्षमतां यपराधिजनं कलुषायुताशक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधव देवपदं। भजनोरजित सज्जन संघपतिं पतिताधिक कारुणिकैक गतिं गतिवंचित वंचका चिंत्यापदं प्रणमामि सदा प्रभुपादपदं। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। वृंदाय तुलसी देवय प्रियाय केशवश्च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्वते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। शुद्ध भक्ति सर्व विघ्न विनाशनकारी भगवान श्री नृसिंह देव की जय। जय श्री प्रहलाद महाराज जी की जय। चित्रपाल शिव जी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। अभी आप लोग श्रवण कर रहे थे महाराज श्री से, जगत गुरु वेद व्यास जी ने अपने जीवन में आचरण करके शिक्षा दिया कि जितने भी पुराण हैं उपनिषद हैं भागवत को छोड़ के,
उन सब की रचना करने के बाद भी उनको शांति का अनुभव नहीं हुआ। यह हमें शिक्षा देने के लिए किया उन्होंने। शांति का अनुभव कब हुआ? जब भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया। और पुराणों में भी कृष्ण नाम की महिमा गाई है, जैसे महाराज जी ने कहा कि अपना महाभारत में किया, गीता में किया, लेकिन वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कृष्ण की महिमा नहीं गाई, वो स्वार्थ के लिए, मुक्ति प्राप्ति के लिए। जितने भी साधना करने वाले संप्रदाय हैं उनमें से अधिक का गोल है मुक्ति प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना, लेकिन वैष्णव संप्रदाय उससे बहुत ऊंचा है, वो मोक्ष भी नहीं चाहता। वैष्णव संप्रदाय जो है, श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी लिखते हैं कि अगर भगवान शाम प्रकट हो जाएं तो उनसे क्या प्रार्थना करना है? ना ही मांगी स्वर्ग और मोक्ष नहीं मांगी। मोक्ष भी नहीं चाहिए, जिसके लिए ऋषि मुनि लोग इतनी साधना करते हैं। ना करी प्रार्थना कौन विभूतिर लागी, ना ही मांगी देहा सुख स्वर्ग और मोक्ष नहीं मांगी, ना करी प्रार्थना कौन विभूतिर लागी। विभूतियां भी नहीं चाहिए योगी की तरह। क्या चाहिए? ये तो मुक्ति मांगने वाले तो छोड़ दो, मुक्ति मांगना भी एक प्रकार का स्वार्थ है। मुक्ति की परिभाषा क्या करते हैं कई लोग? आत्यंतिक दुख निवृत्ति इति मुक्ति, ये उनके ध्यान में रहता है। लेकिन भक्त लोग भी इसका अर्थ करते हैं, वो है स्वरूपेण व्यवस्थिति इति मुक्ति, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। लेकिन जो मुक्ति का अर्थ वो लेते हैं कि दुखों से छुटकारा पाके भगवान में मिल जाओ, उनका स्वरूप हो जाए, उनके ऐसा स्वरूप हो जाए, उनमें ज्योति में ज्योत समा जाए, वो भक्त लोग नहीं चाहते, जैसे महर्षि ने बताया। तो कहते वो जो भक्त विनोद ठाकुर जी लिखते हैं, कई बार सुना होगा कई लोग भक्त ऐसा बोलते हैं कि मैं आप वृंदावन का घास बन जाऊं, लता बन जाऊं, पशु गायें बन जाऊं और उनका ग्वाला बन जाऊं। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय उसे भी ऊपर चला गया। वो क्या लिखते हैं? पशु पक्षी हाय था कि स्वर्गे वा निराए, तब भक्ति रहू भक्ति विनोद हृदय। कहते आप मेरे को चाहे पशु बना देना मेरे कर्मों के अनुसार, मैं कभी आपको नहीं बोलूंगा कि मेरे कर्मों को माफ कर दो। हम तो जाके कान पकड़ते हैं ना, सबसे पहले प्रणाम करने का उद्देश्य ही होता है। वो नहीं कहते, भक्त कभी नहीं डरता है। भक्त ठाकुर जी क्या लिखते हैं? निज कर्म गुण दोषे जे जे जन्म पाई, जन्मे जन्मे ये न तब नाम गुण गाई। आप चाहे मेरे को जैसे मैंने कर्म किए मेरे को ऐसे बना देना, लेकिन एक प्रार्थना है, जहां भी रहूं आपका नाम गुण कीर्तन करता रहूं, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ये भक्तों की प्रार्थना है। और साधना के बाद उस समय भी कहते हैं पशु पक्षी है था कि स्वर्गे वा निराए, कहते मेरे को पशु बना देना, पक्षी बना देना, स्वर्ग में रखना चाहे नरक में रखना, यह भी आपकी इच्छा है, लेकिन हे ठाकुर आपके श्री चरणों की भक्ति वह नरक में भी मेरे हृदय में बनी रहे, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ये कामना भक्त की होती है। तो वो जो भागवत श्रवण किया, उससे पहले जितने भी उपनिषद हैं, वो जो उन्होंने वेद व्यास ने रचना की कि धर्म कैसे होगा, अर्थ कैसे होगा, काम कैसे होगा। यहां धर्म जो है भजन वाला धर्म नहीं है, यह धर्म है वो जो अनुष्ठान नहीं करते, पुत्र चाहिए तो एक यज्ञ कर लिया, धन कैसे चाहिए वो यज्ञ कर लिया, पंडित जी रा पूजा कर दो, इलेक्शन जीतना इस बार बुगला पूजा कर दो। वो उन धर्मों की बात है,
अपने सुख के लिए अनुष्ठान करना। तो ना धर्म चाहिए, ना अर्थ चाहिए, ना काम चाहिए, ना मोक्ष चाहिए। तो मोक्ष, मोक्ष होने से तो जैसा बोला कि वो भगवान में मिल जाना, ज्योत में ज्योत समा जाना। क्योंकि जो आत्मा है ना, महाराज जी ने बहुत गंभीर टॉपिक बोला आज, जो आत्मा है उसके जो स्वभाव है ना उसको नष्ट कर दिया। आत्मा का स्वभाव क्या है आप देखोगे, जीव मात्र जो संसार का है वो आज भी अपने स्वभाव का पालन कर रहा है, लेकिन वास्तविक स्वभाव को भूल गया, अमृत धर्म का पालन कर रहा है। स्वभाव तो वही रहेगा ना, उसका धर्म है सेवक, एक दूसरे के सेवक है सब, प्रधानमंत्री तक से हो जो, फिर वापस आके फिर जनता के सेवक, एक दूसरे की सेवा ही कर रहे हैं। सेवा धर्म है, भगवान की छोड़ रहे हैं तो माया की सेवा कर रहे हैं। वो स्वामी महाराज जी बहुत अच्छा बोलते थे, कहते जो गॉड की सेवा नहीं करेगा वो डॉग की कर रहे हैं, वो सुबह सुबह लेकर सोचते बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो कहते इसलिए भगवान की जो सेवा है उनको जो प्रसन्न करना है, उनको प्रसन्न करने के बाद हमें क्या चाहिए कि भगवान हमारे साथ बात करें, हमारे साथ खेलें, हमारे साथ लीला करें, हम उनकी लीलाओं का आस्वादन करें, उनका गुणगान कीर्तन करें, आनंद का अनुभव करें। ज्योत में ज्योत मिलके हमने क्या करना है, चुपचाप बैठे वहां जाके। तो भगवान के साथ जो साक्षात्कार है वो कब होगा, जब जब आप भाई भजन कर रहे हो, भगवान से जो मांगे वो देंगे, ये यथा माम परपदंते तांस्था जय भवाम। हम कर्मी व्यक्ति मांगता है कि मेरे को इस संसार में सुख मिल जाए और मरने के बाद स्वर्ग मिल जाए, उसको मिल जाएगा। ज्ञानी का अलग इच्छा है, ज्योति में जो समा जाए, योगी परमात्मा में लीन हो जाए, उनका अपना अपना एक स्वार्थ है। लेकिन भगवान कहते हैं, नारद जी कहते हैं कि आपने भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान का भजन नहीं किया, तो मैं क्या करूं, श्रीमद् भागवत की रचना करूं। वो रचना करने के बाद परम शांति मिली वेदव्यासी को। तो क्या शिक्षा मिली हमें कि हमें परमानंद प्राप्त करना है, परम शांति प्राप्त करनी है, तो और ग्रंथों को छोड़ के केवल केवल श्रीमद् भागवत का अनुसरण करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब भागवत का अनुसरण कैसे करना है, आजकल तो ऐसा हो गया है महाराज कि जितने भी भागवत सप्ताह करने वाले हैं वो तो बिजनेस बना दिए इसको। कहां तो कहते हैं धर्म प्रोचित कैतवो अत्र परमो निर्मसराणां सताम। कपट बोला ना, कपट क्या है, भगवान के बदले में धन मांगना, मोक्ष मांगना तक ये कपट है। अरे भाई कोई माँ बाप की सेवा कर रहा है, आप ही सोचो, मैं सरल उदाहरण समझाने के लिए, पैर दबा रहा है बहुत ज्यादा, तूफान आया, भाव आया माता जी की सेवा करने का, पिताजी का, और आपने कहा बच्चा बड़ा सुधर गया भाई, सेवा कर रहा है आज, और बाद में क्या बोलता है, पापा जी वो घर मेरे नाम कर दो। जब कुछ मांग लिया तो उसकी सेवा का सामने अर्थ आ गया, तो फिर आपका जो बच्चे की सेवा के देख प्रति वो भावना नहीं रहेगी, वो इनडायरेक्टली अपनी सेवा कर रहा है। मीन्स आर जस्टिफाई बाय दैट, उद्देश्य क्या है उसको देख के निर्णय होता है कि आप काम कैसे कर रहे हैं। तो जब आप भगवान का सेवा कर रहे हैं, खूब मंदिर में घस घस के आपने पोछे मार के फरस ही रगड़ दिया, पुजारी जी को द्वारा लगाना पड़ रहा है, लेकिन उद्देश्य क्या है, हाय मेरा बच्चा पास हो जाए, हाय मेरा बिजनेस हो जाए, हाय मेरा वो फलाना काम हो जाए, वो नहीं होगा, उससे नहीं चलेगा। भागवत क्या है, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कृष्ण का कीर्तन। हमारे एक हगोड़ी संप्रदाय में बहुत ऊंचे संत हुए हैं, उनको सार्वभौम कहा जाता था। सार्वभौम क्या होता है, उनके बराबर कोई संत नहीं है। संतों को जब ये पदवियां मिलती है ना तो कंपटीशन नहीं होते, एग्जाम नहीं होते, उनका अपना स्वभाव आचरण, उनका भजन निष्ठा, उनका जो अंदर की जो वृत्ति है, फेस इज द मिरर ऑफ माइंड, उनके मन में कितना भक्ति का प्रकाश है वो ओरा बताता है उनका। तो उनके दो सेवक थे। देखिए कितनी गहरी बात है, आप सारा दिन टीवी में भागवत सुनते रहते हैं, भक्ति होने वाली नहीं है,
क्योंकि जो बोलने वाला भक्त है वो अपनी भावना का प्रसारण करता है जैसी उसकी भावना है। अगर वो पैसे के लिए भागवत कर रहा है, भक्ति किसको बोलते हैं? हरि भक्ति वो जो हरि के लिए हो। अब हेलो हेलो थोड़ी टेस्टिंग हो जाए कि ये भक्ति जो कर रहे हैं ये भगवान के लिए या पैसे के लिए। हमारे को याद है हम चंडीगढ़ में थे ना, तो वहां पर बहुत बड़ा ग्राउंड था, वहां जगराते कराते हैं, आपको मालूम होगा वो जगराते क्या है, वो जैसा पैसा वैसी जगह लगना है। वो जगराता करने के लिए बॉम्बे से बुला रहे हैं कलाकार, बहुत बड़ा तीर मार दिया है ना, जैसे वो पता नहीं उन्होंने जगराता कराने का फल सीधा ही प्राप्त कर लिया। वो क्या करते हैं, बॉम्बे से कलाकार बुलाए। बॉम्बे से कलाकार कब करेंगे? सुबह 2 घंटे के लिए, 3 से 5 बजे तक। बाकी छोटी छोटी पार्टियां 4-5 बुला लेते हैं जो भीड़ इकट्ठी करती रहती है, लास्ट में आएगा वो। अभी हुआ क्या, हमने सुना कि वो जो मेन सिंगर है वो 3 बजे आया ही नहीं, वो सामने होटल में ठहरा हुआ है। किस लिए नहीं आया? उसको पेमेंट का एडवांस नहीं मिला अभी तक। तो वो जो जगराते भजन गाएगा और आप तालियां मार के नाचोगे, वो किसके लिए गा रहा है? वो पैसे के लिए गा रहा है, वो माता के लिए नहीं गा रहा है, वो भगवान के लिए नहीं गा रहा है। तो ऐसा कीर्तन सारी जिंदगी कर दे रहे हो, ढोल फोड़ दिया आपने 50, कुछ होने वाला नहीं। उल्टा यमराज जी वेट कर रहे होंगे, वाह हमारे बंदे तैयार हो रहे हैं। तो होता क्या है, बाबा जी कथा सुना रहा था, एक कथा भक्ता भागवत वाचता है। आजकल तो नाच गाने में टाइम निकाल देते हैं, उस समय विद्वान थे वक्ता लोग, श्लोक बोल के उसकी व्याख्या कर रहे हैं, फिर टीकाओं की व्याख्या कर रहे हैं, गान भी अच्छा है। वो बाबा जी उसने सोचा कि मैं किसी ऐसे ही पर्सनैलिटी को सुनाऊं जिससे बहुत फेमस हो जाऊं, मैं फेमस हो जाऊं और दाम भी बढ़ जाएंगे। अब आपसे अगर कोई बहुत बड़ा संत आज का जो कथा सुन ले तो सब सोचेंगे कि उन्होंने इनसे कथा सुनी, बाबा उनको बुलाओ, परेशान हो गए, इतने निमंत्रण आने शुरू हो गए। तो उन्होंने क्या किया, उन बाबा जी के पास गए, उनका नाम था गोरकिशोर दास बाबा जी, नाम अभी मैं भूल रहा हूं, हो सकता है जगन्नाथ दास बाबा जी हों या गोरकिशोर बाबा जी। उनके 2 सेवक थे, उन्होंने चेला किसी को नहीं बनाया। अब वो विद्वान गए उनके पास कि महाराज जी मैं आपको भागवत सुनाना चाहता हूं, बड़ा नतमस्त हो के। हम लोग जब नतमस्तक होते हैं ना, दीनता दिखाते हैं, भक्त लोग बड़े दीन होते हैं, हमारी दीनता होती है आर्टिफिशियल, एक्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि दीनता है बैकुंठ का गुण, वहां से आता है ये। जैसे जैसे भगवान का संग आपका बढ़ता रहेगा दीनता आती रहेगी। बेटा थोड़ी बार में बजा लेना, जब जरूरत पड़ेगी तो कीर्तन में। तो तो उसने बोला कि मैं आपको भागवत सुनाना चाहता हूं। बचे हैं सब, अच्छा है, कोई बात नहीं, बेचारा उसके कान में पड़ेंगे शब्द। तो उसने कहा कि मैं भागवत सुनाना चाहता हूं, बाबा जी ने उत्तर नहीं दिया, वो चुप रहे। फिर पूछा उन्होंने, तो सेवकों के मन में इच्छा होगी, हमारे जैसे सेवक होंगे, मेरे जैसे कोई एक दो। उन्होंने कहा जी आप करो करो, बाबा जी मौन है इसका मतलब हाँ है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों के 2 विचार हैं, मौनम सम्मति लक्षणम, अगर कोई चुप है तो समझ लो हाँ कर दी उसने। लेकिन ऋषि मुनि दूसरे जो पक्ष के हैं वो बोलते हैं मौनम उभय लक्षणम, मौन का मतलब हाँ भी हो सकता है और ना भी हो सकता है, ये ज्यादा अच्छा है। लेकिन अब हमारे जैसे सेवक तो फिर, मैंने कहा ठीक गाओ गाओ, हमारे चुप है, बोला हाँ कर दिया, अब करो कि कथा करो। उसने इतना बड़ा प्रोग्राम किया, इतने लोग आए, जमा दिए महाराज उसने, लोग पागल सुनने के लिए। बाबा जी एक दिन भी उसकी कथा में नहीं आए। वो आया किस लिए था, मन में क्या भाव है, बाबा जी को सुनाएंगे थोड़ा महिमा बढ़ जाएगी हमारी और रेट बढ़ जाएंगे, दाम थोड़े ज्यादा मिलेंगे, ये उद्देश्य है भगवान का कीर्तन करने का। इसलिए नारद जी ने बोला कि आपने बहुत गंदा काम किया, उद्देश्य गलत दिया कीर्तन करने का।
उन्होंने क्या किया, जब वो चले गए करके बाबा जी ने बात भी नहीं की। सेवक लोग बोलते हैं बाबा जी आपने कथा में नहीं आए। कहते कौन सी कथा, बोलो भागवत करके गए। बोलो हम तो सुना नहीं, क्योंकि जैसे भगवान अंतर्जामी है ना, वो क्रिया नहीं देखते, वो देखते हैं किस उद्देश्य से, भावग्राही जनार्दना, किस भावना से आप कर रहे हैं। कहते मैं तो भागवत सुना नहीं। कहते इतने जोर जोर से उसने बोला भागवत हो रहा था, आपको कुछ सुनाई नहीं दिया। बोलो सुनाई तो दिया। बोलो क्या, पैसा 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 पैसा। उसकी जो हृदय की भावना जिसके लिए वो भागवत कर रहा है, वो सिर्फ बाबा जी को वही सुनाई दे रहा है। तुम्हारे जी जितने भक्ता भक्ता भागवत में के जो है पैसे लेके हरि कथा करने वाले हैं ना, उनकी कथा में मत जाना, भजन का हानि हो जाएगा। कई लोगों के विचार है चलो जी हमने क्या करना, अमृत वाणी तो है, जिसके मुख से मर्जी सुनो। वेद व्यास जी इसका खंडन करते हैं। वो क्या बोलते हैं, अवैष्णव मुखम उद्गीर्णम पूतंग हरिकथा अमृतम श्रवणव नैव कर्तव्यम सर्पोचिष यथापया। अवैष्णव मुखम उद्गीर्णम पूतंग हरिकथा अमृतम। जो अवैष्णव के मुख से, जो वैष्णव नहीं है, वैष्णव कौन है, जो विष्णु के लिए है, कृष्ण के लिए है, जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है, जो अपना कारोबार चला रहा है, भगवान के कथा को जिसने बिजनेस बना लिया है, वो कभी भी उसके मुख से हरि कथा नहीं निकल सकती। ये गुरु महाराज जी की वाणी, वो कभी भी हरि कथा नहीं कर सकता, वो खुद अनुभव नहीं कर सकता, ना किसी का कल्याण कर सकता है। महाराज जी आप कथा सुनने नहीं गए। बोलो क्या हो गया। बोलो बहुत बड़ा वक्ता आया हुआ है, आपको कैसे पता बहुत बड़ा वक्ता है, 25 लाख रुपए लेते हैं ये। अच्छा इतना बड़ा वक्ता है, वो उसके रेट पर डिपेंड करता है, तो वो कथा नहीं, वो एक्टर होता है। म्यूजिक चला दिया, प्रसंग सुना रहे हैं उसके हिसाब से म्यूजिक चला दिया, लोग भी इमोशनल हो गए। ऐसे व्यक्ति की कथा में आत्मरंजन नहीं हो सकता, मनोरंजन हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। गुरु जी कहते कहते इसलिए वो जो भागवत कथा है भगवान की प्रसन्नता के लिए जब होगी, वो तो जो लोग इस प्रकार से कथा करते हैं सो पैसे के लिए, चलो पैसा तो फिर भी दिख रहा है, उसकी कथा सुनने से क्या होगा, हमारा नुकसान है। क्या नुकसान है, वो कहते हैं अवैष्णव मुखम उद्गीर्णं पूतंग हरिकथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोचिष्ट यथापय। कहते सबसे पहले तो उसके मुख से सुनना ही कर्तव्य नहीं। क्यों नहीं सुनना, कहते जिस प्रकार हरिकथा अमृत है, दूध को अमृत कहा जाता है ना संसार में, तीनों काम कर देता है वो, भूख भी मिटाता है, हृष्ट पुष्ट भी करता है, तुष्ट भी करता है। लेकिन उस गाय के जो दूध अमृत के समान है, उसको अगर सांप डस जाए तो, सांप अपना जहर छोड़ दे तो, फिर वो सीधा ऊपर लेके जाता है। वैसे पियोगे अच्छा तो बॉडी लिफ्ट करेगा, अगर आपने वो गाय जो सांप वाला पी लिया तो आपको लिफ्ट कर देगा वो सीधा। तो कहते इसलिए नहीं सुनना, मृत्यु हो जाएगी। तो लेकिन हम तो आत्मा है, हरि कथा सुनने से कैसे मृत्यु होगी, हरि कथा सुनने से आपकी भजन वृत्ति की मृत्यु हो जाएगी, आपकी भजन वृत्ति खराब हो जाएगी। जो लोग ऐसे कथाओं में जाते हैं ना, उनको कभी उनका स्वभाव देखना, वो कथा सुनना ही नहीं चाहेंगे। महाराज जी बस नचा देना सबको, मजा आ जाए बस, क्योंकि उनकी वृत्ति हरि कथा की खत्म हो चुकी है। और तुलसीदास जी कहते हैं रामचरित जे सुनत अघाही रस विशेष जाना तिन नाही राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कथा अच्छी नहीं लग रही, प्रहलाद जी का प्रसंग सुना सुना हुआ यार। अच्छा आजकल क्या चल रहा ध्रुव, वो भी सुना हुआ है। कहते जिसने कथा से अघा गया है ना, जो समझ लो उसको रस हरि कथा में क्या रस है पता ही नहीं लगा, ना उसको कीर्तन का रस पता लगना है। कीर्तन एक कीर्तन सुन लिया चार बार, फिर और नया सुनाओ यार कोई, ये तो सुना हुआ है, तो वो भजन नहीं है। तो कहते आपकी भजन वृत्ति का नाश हो जाएगा।
तो भजन क्या है? भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान का भजन, यही श्रीमद् भागवत महापुराण है। सुनना है वैष्णवों के मुखारविंद से, जिनका जीवन भगवान के लिए है, तब जाकर के हमारा कल्याण होगा। और जो हम भजन करते हैं, श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी भी नई शिक्षा दी। प्रहलाद जी क्या बोलते हैं? अब यहां पर भगवान श्री नरसिंहदेव विराजमान है। भगवान नरसिंहदेव की प्रसन्नता विधान कैसे होगी? नहीं, नहीं चलता। भगवान नरसिंहदेव, उनके भक्त हैं प्रहलाद जी। बीच में थोड़ा टॉपिक ला रहा हूं। नरसिंह भगवान को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका क्या है पता है? चाहे आप नरसिंह भगवान की पूजा ही मत करो तब भी खुश हो जाएंगे। कैसे? जैसे अभी किसी माँ बाप बैठे हैं, उनका छोटा बच्चा खेल रहा है, माँ बाप को पूछो ही मत आप, उनका जो लाडला बच्चा है ना, गिली गिली येलो चॉकलेट, वो हंसना शुरू कर दिया, वो हंसेगा तो माँ बाप हंसेंगे और वो आप पे प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए नरसिंह भगवान को आसानी से प्रसन्न करना है तो प्रहलाद जी की महिमा गाओ, उनकी शिक्षा को याद करो। वही बोलने जा रहा हूं। हमारे गुरुवाणी में आता है, हम बचपन में गुरुद्वारे में जाते थे, राम का नाम जपो जी ऐसे ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे। गुरुवाणी में भी है। अब प्रहलाद जी ने कैसे जपा? उन्होंने भी यही कहा, श्रीमद् भागवत में है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम दस्य साख्य आत्मनिवेदन इति पुनशा अर्पिता विष्णु भक्तिश्च नवलक्षणा। ये नौ प्रकार की भक्ति है, यही वैष्णव लोग करते हैं, इसी को नवदा भक्ति कहते हैं। अब गौड़ीय वैष्णव लोग अगर भजन कर रहे हैं, उनको भजन में कोई बाधा आ रही है, उस बाधा को दूर करने के लिए नरसिंह भगवान हमेशा तैयार रहते। उनका अवतार ही स्पेशल इसीलिए है कि भक्तों को अगर प्रॉब्लम हो जाए तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी, उनको पुकारिए आप। श्री गुरु महाराज जी बहुत सुंदर अर्थ करते थे, कहते हिरण्यकश्यप है ना, नरसिंह भगवान ने प्रकट होकर क्या किया? जिसने भक्तों को कष्ट दिया। हिरण्यकश्यप का अर्थ गुरु जी करते थे, हिरण्य का मतलब होता है सोना चांदी, संपत्ति पैसा कनक जो भी लगा लीजिए आप, सबके मन में हिरण्यकश्यप है। ये जो डिमांड है पैसे के लिए, धन के लिए, संपत्ति के लिए, सोना चांदी के लिए, लबालब भरी हुई है। हिरण्यकश्यप एकदम तगड़ा है अंदर, हमारे अंदर भी। और कश्यप का अर्थ होता है बिस्तर, भोग की लालसा सबके अंदर है। और कहीं हमारे हृदय में भक्ति की भावना भी है, उसको कहते हैं प्रहलाद जी। अब जब प्रहलाद जी भजन करते हैं तो हिरण्यकश्यप ने क्या बोला हुआ है कि जो भगवान हरि का नाम करेगा उसका सर काट देंगे। गुरु को भी शिक्षा दे रखी, खबरदार प्रहलाद जी के पास कोई अगर कृष्ण भक्त आया तो। प्रहलाद जी भी भजन करते थे कृष्ण जी का, कहां से पता लगता है? जब उनसे पूछा ना, कई बोलते हैं जी राम जी पहले आए कृष्ण जी पहले आए, क्वेश्चन नहीं होता है। श्री कृष्ण सतयुग में भी थे क्योंकि रामकृष्ण में कोई अंतर नहीं है। ये कहां से पता लगता है? जब प्रहलाद जी से पूछा कि तेरी मति उल्टी मति कहां से आई, वो भगवान के भजन की वृत्ति को उल्टी मति बोलते हैं। उसी प्रकार से संसार में देखा जाता है ना, जब कोई बच्चा भजन करे और उसके माँ बाप कर रहे हैं तो अभी नहीं हो, अभी बहुत उम्र पड़ी है, बाद में करना, समझ लेना वो हिरण्यकश्यप के वंशज हैं। अगर बचपन में भजन करने के लिए रोकें और कोई मठ में आ जाए ना, पीछे फोर्स लेके आ जाते हैं, खबरदार चल भाई वापिस, तो वो हिरण्यकश्यप के वंशज माने जाते हैं। तो उससे पूछा तेरी ये मति कहां से आई, तो उन्होंने क्या जवाब दिया बताए? मतिर ना कृष्णे परतो सतोबा मिथो अभिपद्यत गृह व्रतानाम। इतना ही बोलूंगा क्योंकि पूरी व्याख्या नहीं। मतिर ना कृष्णे परतो सतोबा, श्री कृष्ण के चरणों में रति मति अपनी हिम्मत से नहीं हो सकती कि मैं कृष्ण जी का बड़ा भक्त बन के दिखाऊंगा, नहीं हो सकता।
लाख आदमी सोचे हम मिलके इसको कृष्ण डिवोटी बना देते हैं, नॉट पॉसिबल। तो वो भी कृष्ण का भजन करते हैं। अब जब कृष्ण भजन में बाधा आई तो उनका अवतार है नरसिंह भगवान, फिर भगवान अब नरसिंह अवतार लेके आ गए। तो गुरु जी कहते हैं कि हमारा जो मन है वो जो भक्ति वृत्ति है वो भजन करने का मन करता है, थोड़ा सा प्रयास करते हैं तो हमारे अंदर जो लालसा है ना पैसे की, संपत्ति की और जो भोग की, वो कामना हिरण्यकश्यप है, वो प्रहलाद को पटक पटक के हम शांत होकर बैठ जाते हैं, फिर कमाने चले जाते हैं। संत लोग बोलते रहते हैं सत्संग में आओ, सत्संग में महाराज जी कहाँ टाइम मिलता है, वो हिरण्यकश्यप बोलते हैं अंदर का, पैसे कमाने कम पेमेंट लेने उधर से। तो कहते हैं अगर उस हिरण्यकश्यप को मारना चाहते हो तो नरसिंह भगवान का कीर्तन करो, वो आएंगे और आपका हिरण्यकश्यप जो है ना उसकी गर्दन और उसको सीधा उनके स्थान पे वापस भेज देंगे। तो वो जो भगवान नरसिंह का जो कीर्तन है यहाँ जो मंदिर में आए, तो जब कभी भजन में बाधा हो तो भगवान नरसिंह देव को याद कीजिए। भजन कैसा, मैंने जो बोला गुरुजी बोलते थे शुद्ध भक्ति सर्व विघ्न विनाशनकारी। शुद्ध भक्ति क्या है, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए भगवान का भजन करना। आज बहुत अच्छा टॉपिक उठाया महाराज ने, वो जो भजन करना भगवान की प्रसन्नता के लिए, उसमें अगर कोई बाधा आती है, आपकी मन इधर भागता है उधर भागता है, तो उसके लिए भगवान नरसिंह देव हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले नरसिंह कीर्तन भजन कर लेते हैं। एक मंत्र हमारे गुरु जी करते थे, वो करके संकीर्तन करने के बाद फिर थोड़ा खड़ा होकर महामंत्र करता है, ठीक है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, अभी आ जाओ दोनों बजाएंगे। अच्छा होता है एक माइक चले दो, क्योंकि बड़ी साइड में माइक भी चाहिए। जिनको समझ आए पीछे पीछे बोलिएगा, नहीं तो हाथ जोड़ के भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना कीजिए। इतो नृसिंहा परतो नृसिंहा, इतो नृसिंहा परतो नृसिंहा, यतो यतो यमि ततो नृसिंहा, यतो यतो यमि ततो नृसिंहा, इतो नृसिंहा परतो नृसिंहा, इतो नृसिंहा परतो नृसिंहा, यतो यतो यमि ततो नृसिंहा, यतो यतो यमि ततो नृसिंहा, इतो नृसिंहा परतो नृसिंहा, इतो नृसिंहा परतो नृसिंहा, यतो यतो यमि ततो नृसिंहा, यतो यमि ततो नृसिंहा, बहिरनिसिंहा हृदय नृसिंहा, नृसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये, नृसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये, नमस्ते नृसिंहाय प्रह्लादहलादायिने, नमस्ते नृसिंहाय प्रह्लादहलादायिने, हिरण्यकशिपुर्वक्ष शिलाटंक नखालये, हिरण्यकशिपुर्वक्ष शिलाटंक नखालये, नमस्ते नृसिंहाय प्रह्लादहलादायिने, नमस्ते नृसिंहाय प्रह्लादहलादायिने, हिरण्यकशिपुर्वक्ष शिलाटंक नखालये, हिरण्यकशिपुर्वक्ष शिलाटंक नखालये, वागीशाय शबन्दे लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि, वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि, वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि, वागीशाय
यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे श्री नृसिंहा जय नृसिंहा जय जय नृसिंहा श्री नृसिंहा जय नृसिंहा जय जय नृसिंहा प्रहलादेश जया पद्म मुख पद्म भृंगा 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 श्री नृसिंहा जय नृसिंहा जय जय नृसिंहा श्री नृसिंहा जय नृसिंहा जय 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 जय नृसिंहा श्री नृसिंहा 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 जय नृसिंहा जय जय नृसिंहा जय दाओ 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 नृसिंहा देव 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 जय दाओ जय दाओ भक्त वत्सल हरि जय दाओ जय दाओ भक्त वत्सल हरि जय दाओ जय दाओ सर्व विघ्न विनाशने जय दाओ जय दाओ सर्व विघ्न विनाशने जय दाओ जय दाओ नृसिंहा देव जय दाओ जय दाओ नृसिंहा देव जय दाओ जय दाओ जय दाओ जय दाओ जय दाओ जय दाओ प्रह्लाद महाराजे 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 जय दाओ जय दाओ जय दाओ जय दाओ जय दाओ जय दाओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने हरिनाम संकीर्तन हमें प्रदान किया है और हरिनाम संकीर्तन उनकी देन है कि आज पूरे वर्ल्ड में हमारे भारतीय तो फिर भी शर्म करते हैं लेकिन विदेशी लोग गले में कंठी पहन के मस्तक पे तिलक लगा के हाथ में करताल लेके हरे कृष्ण की धुन पे नृत्य करते हैं। जैसे आप सोने के अलंकार पहनते हैं वो इसको अलंकार समझते हैं और रोब से चलते हैं। कहते इसलिए ये जिन श्री चैतन्य महापुरुष की देन है वो कहते हैं इस महामंत्र की ताकत क्या है, इहा हई ते सर्व सिद्धि हई वे सवार, जिसकी जो इच्छा है वो पूर्ण होगी इसको जाप करने से। लेकिन जो शुद्ध भक्त है, जो भक्तों का संग करते हैं, उनको मालूम है कि इस महामंत्र के बदले में सांसारिक वस्तु नहीं मांगना, वो केवल भगवान की भक्ति मांगते हैं। तो ये महामंत्र संकीर्तन हम करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु जी कहते थे, उन्होंने कोई बड़ी साधना नहीं बताई कि तपस्या करो, योग करो, साधना करो, मेडिटेशन करो, नाचो गाओ भक्तों के साथ, करो संकीर्तन, सबसे आसान। कहते इसलिए अभी हम महामंत्र करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु जी को वो घूम घूम के कीर्तन करते हैं ना, बहुत अच्छा लगता था, तो हम कीर्तन करेंगे जिसके मन में जैसी भावना आए, है ना। 10 मिनट के लिए थोड़ा खड़ा होके अभी मैं एक छोटी सी बात बता दूं, जरा मेरी तरफ ध्यान दे दो, पीछे गप्पे शुरू हो गए हैं। भाई संकीर्तन का वो देखो, हरे कृष्णा
बस 10 मिनट रह गए। हरि नाम संकीर्तन का 100% फायदा लेके जाना, क्योंकि बैठे आप सारे ही हैं, लेकिन फल किसी को 25%, किसी को 50%, किसी को 75%, किसी को 100 मिलेगा। सबको अलग अलग मिलना है, क्योंकि जो केवल कीर्तन सुनेगा और दर्शक हो गया ऐसे देखता रहेगा उसको 25% मिलेगा, और जो साथ साथ में ताली भी मारेगा उसको 50%, और जो साथ साथ बोलेगा भी जोर जोर से उसको 75% फल मिलेगा, और बोलने के साथ साथ जो मन में चिंतन भी करेगा उसको पूरा 100%। अब कितना परसेंट लेके जाना है आपकी इच्छा है, हम कीर्तन करने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो हरे रामो राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 अभी जोर से ताली लगा के, हरे राम 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 हरे
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। एक आसाम का सुर है, दो चार मिनट के लिए गाता हूँ, सब लोग आनंद से सुनिए और पीछे पीछे बोलिएगा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। कहते हम जो संकीर्तन में ताड़ियां मारते हैं ना, संकीर्तन में जो ताड़ी मारते हैं जोर जोर से, उससे क्या होता है पता है? जितने भी पाप इन हाथों से किए ना सारे झड़ जाते। ज्यादा खुश मत हो, वो जाते कहां है पता है? जो ताड़ी नहीं मारते उनमें घुस जाते हो। इसलिए हाथ खड़े करो अपने। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोलो गौर हरि बोलो हरि बोलो गौर हरि बोलो हरि बोलो गौर हरि बोलो गौर हरि बोलो हरि बोलो गौरा हरि बोलो गौरा हरि बोलो गौरा हरि बोलो गौरा हरि बोलो लास्ट में वो जब पुजारी जी को बुलाना, पुजारी जी को, पुजारी जी आइए थोड़ा हमारे साथ कृपा कीजिए दो मिनट के लिए। अभी हरि बोल बोल रहे हैं, हाथ उठा के ताली मार के यहां विश्राम में आइए। थोड़ा इनसे टच मत होना, पूजा करते हैं ना, हाथ आगे उठा रहा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल और हरि बोल 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 गौरा हरि बोल
महाराज जी के मुखारविंद से कथा कीर्तन और महाप्रसाद का लाभ चैतन्य गौड़ी मठ में श्री चैतन्य गौड़ी मठ दीवान देवड़ी मदीना होटल के पास में सभी भक्त लोग कल आनंद ले सकते हैं। और परसों के दिन इन्हें 19 तारीख मंगलवार के दिन धूलपेट इस्कॉन में होगा, 19 तारीख के दिन धूलपेट इस्कॉन में और कल चैतन्य गौड़ी मठ दीवान देवड़ी में सभी भक्त लोग अवश्य भाग लीजिए कथा कीर्तन महाप्रसाद का। हरे कृष्णा, सभी लोग जय ध्वनि दीजिए। यहाँ पर शाम में कथा 7 बजे से, कल चैतन्य गौड़ी में भी 7 बजे से और इस्कॉन धूलपेट में भी 7 बजे से रात के। यहाँ पर जिन लोगों ने ये आयोजना किया है उन सब लोगों का विशेष रूप से, उन सब लोगों को चैतन्य महाप्रभु का, जिन्होंने महाप्रभु का जो नाम प्रचार करने के लिए, भगवान का जो संवाद है, हमारे गुरुवर्ग का संवाद है, वेदव्यास मुनि का संवाद है, इस संवाद को प्रचार करने के लिए जिन जिन लोगों ने आज सहयोगता किया है, सुनिश्चित रूप से भगवान के विशेष वो कृपा पात्र बनेंगे। अच्छा, आज हमारे मुख्य हमारे विकास प्रभु जी हैं, तो आज का भंडार वसंत विकास प्रभु। एक बार सब लोग उनको जय बोलते हुए हरि बोल। और एक छोटी सी सूचना है, हमारे मठ से हमारे गुरु महाराज जी की जो शिक्षाएं, छोटी छोटी शिक्षाएं प्रत्येक दिन एक एक करके हम व्हाट्सएप में भेजते हैं, जो आपका प्रत्येक दिन सुबह जिस शिक्षाओं को पढ़ करके इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, जो इंग्लिश पढ़ सकते हैं उनके लिए इंग्लिश में है, जो हिंदी पढ़ सकते हैं हिंदी में है, साथ साथ गुरु जी का भी दर्शन होगा। तो जिन जिन लोगों ने व्हाट्सएप के माध्यम से ये सुबह सुबह मैसेज पाना है, मैं नंबर बोलता हूँ, वो थोड़ा लिख लीजिएगा, 9921 6 5 11 7 6 5। मैं फिर से बोलता हूँ, 9 2 1 6 5 11 7 6 5। इसको आप श्री मुनि महाराज नाम से सेव कीजिए या श्री चैतन्य गौड़ी मठ नाम से सेव कीजिए। सेव करके आप एक हरे कृष्णा महाराज जी करके मैसेज कर दीजिए, महाराज जी डेली आपको ये शिक्षा भेजेंगे और बहुत ही मतलब लाभदायक शिक्षाएं हैं सभी। बहुत सारे लोगों का ये छोटी छोटी शिक्षाएं सुन करके बहुत लोगों का जीवन में सुधार आया है, सुनिश्चित रूप से सभी का मंगल होगा। इसलिए आप लोग ये रोज मैसेज प्राप्त करके उसको पढ़िए। जय 9216511 7 6 5। हाँ जी, जय श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरिधारी श्री श्री राधा मदन मोहन पंचतत्वात्मक श्री गौर हरि की जय। जय श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय। जय भक्तवत्सल भगवान श्री नृसिंह देव की जय। जय भक्त प्रवर श्री प्रह्लाद महाराज की जय। जय परमाराध्यतम पतित पावन स्तोत्र सत श्री श्रीमद
भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्रील गुरु महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद प्रमं सष्टोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। जय जगद्गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। परमहंस कुल चूड़ामणि श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर महाशय की जय। शिशिरूपानुग गुरु वर्ग की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। जय गंगा यमुना सरस्वती देवी की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। जय श्री श्री शिवजी महाराज की जय। जय श्री श्री हनुमान देव की जय। जय अनंत कोटि भक्त वृंद की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस सष्टोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस सष्टोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद प्रमं सष्टोत्र सत श्री श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद प्रमं सष्टोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति शरण त्रिविक्रम महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद प्रमं सष्टोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति वैभव पुरी महाराज की जय। जय परम पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी क्या नाम भक्ति सौरभ नारायण महाराज की जय। जय पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी भक्ति विबुद मुनि महाराज की जय। जय समागत भक्त वृंद की जय। श्री हरिनाम प्रभु की जय। जय श्री श्री नरसिंह देवेर पुजारी प्रभु की जय। निदाय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।